नाउ अब बात किसकी होगी, एंटी कॉजल, ठीक है, एंटी कॉजल सिस्टम। तो एंटी कॉजल मीन्स कॉजल का उल्टा, दैट मीन्स कॉजल में क्या होता था, एच टी इज इक्वल टू जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, यहाँ उल्टा है इसलिए यहाँ टी ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट मीन्स एच टी इज जीरो फॉर पॉजिटिव टाइम, नेगेटिव टाइम में प्रेजेंट होना चाहिए बस, ठीक है। दैट मीन्स ये टी इज इक्वल टू जीरो के रेस्पेक्ट में एच टी क्या है आपका, लेफ्ट साइडेड है, ठीक है। सो लेफ्ट साइडेड प्लस टी जीरो के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, टी जीरो माइनस में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, जीरो के नेगेटिव में। सो अगर जीरो के नेगेटिव में प्रेजेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं दैट द सिस्टम इज एंटी कॉजल। बट अगर एच टी क्या है, एंटी कॉजल है, तो जो उसका आर ओ सी है एंटी कॉजल है, दैट मीन्स लेफ्ट साइडेड, तो जो आर ओ सी होगा वो लेफ्ट साइडेड होगा। अब लेफ्ट साइडेड का ये मतलब नहीं है कि यहाँ टी इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होगा वो लेफ्ट में होगा। सिग्मा इज इक्वल टू टू अगर है तो टू के लेफ्ट में होना चाहिए, अगर माइनस टू है तो माइनस टू के लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। सो जो भी है वो लेफ्ट में होना चाहिए, आर ओ सी लेफ्ट साइडेड होना चाहिए बस। यहाँ लेफ्ट साइडेड का क्या मतलब है, टी इज इक्वल टू जीरो के लेफ्ट में। यहाँ लेफ्ट साइडेड का क्या मतलब है, जो भी आपका है उसके लेफ्ट में, जीरो के लेफ्ट में नहीं है यहाँ पे, यहाँ जीरो के लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ किसी के भी लेफ्ट में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोल लोकेशन, ठीक है। सो अब इसमें भी देखते हैं क्या कंडीशन है। सो एच टी, सपोज एच टी आपने देखा, ठीक है, एच टी क्या निकला, लेफ्ट साइडेड, एंड एच टी इज एंटी कॉजल सिस्टम, ठीक है। सो लेफ्ट साइडेड भी है प्लस टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस में ही प्रेजेंट है, दैट मीन्स एंटी कॉजल है, ठीक है। नाउ एंटी कॉजल है, सो आपने सपोज आर ओ सी इसका चेक किया, कोई रैंडम सिग्नल है, सपोज उसका जो आर ओ सी है दैट इज लाइक दिस, ये क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू फाइव, सो फाइव के लेफ्ट में है, ठीक है। दैट मीन्स आर ओ सी इज लेफ्ट साइडेड एंड इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सिस, इसलिए ये जो एंटी कॉजल सिस्टम होगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। सो आर ओ सी इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सिस, इसलिए ये जो एंटी कॉजल सिस्टम है ये स्टेबल है, ठीक है। नाउ अब मैं माइनस फाइव की जगह क्या कर देता हूँ, मैं सिग्मा इज इक्वल टू वन कर देता हूँ, सो वन के लेफ्ट में प्रेजेंट है। इवन नाउ द आर ओ सी इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सेस, इसलिए अब भी सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो के लेफ्ट में, ठीक है, जीरो के लेफ्ट में, जीरो पर नहीं है बिकॉज जीरो इज द पोल एक्चुअली में, ठीक है। सो जीरो के लेफ्ट में आर ओ सी प्रेजेंट है, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, दैट मीन्स जे ओमेगा एक्सिस इज आउटसाइड आर ओ सी, ठीक है। आउटसाइड आर ओ सी मीन्स सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। और एक्चुअली में बिल्कुल, क्योंकि द इंटरफेस ऑफ आर ओ सी एंड जे ओमेगा एक्सिस एकदम बिल्कुल इस तरह से टच कर रहे हैं, सो एक्चुअली में ये सिस्टम अनस्टेबल भी नहीं होगा, ये ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी होगा, दैट मीन्स ना तो स्टेबल है ना अनस्टेबल है, ठीक है, मार्जिनली स्टेबल है एक्चुअली में, ठीक है। नाउ अब आप क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस वन के लेफ्ट में, सो सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस वन के लेफ्ट में इसका आर ओ सी प्रेजेंट है एंटी कॉजल सिस्टम का। सो ये माइनस वन है, ये जे ओमेगा एक्सिस है, सो जे ओमेगा एक्सिस इज आउटसाइड आर ओ सी, सो अब ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, अब ये अनस्टेबल होगा। सो ये जो एंटी कॉजल सिस्टम है अब ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। नाउ ठीक है, सो आपने क्या देख लिया, आपने कॉजल देखा, ठीक है, कॉजल मीन्स टी इज इक्वल टू पॉजिटिव में होना चाहिए,
फिर आपने एंटी कॉजल देखा, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू नेगेटिव में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो इसका आर ओ सी आपने क्या देखा, राइट साइडेड है, इसका आर ओ सी आपने क्या देखा, लेफ्ट साइडेड है। अब मैं आपको कह लूँगा नॉन कॉजल, नॉन कॉजल मीन्स कि वो कॉजल नहीं है, ठीक है, एंटी कॉजल हो सकता है, ठीक है। सो अब इन जनरल ये क्या होगा, इसका जो आर ओ सी होगा वो बोथ साइडेड होगा, ठीक है। सो इस तरह से है इस पे कंडीशन कि ये नेगेटिव टाइम में भी हो सकता है एंड पॉजिटिव टाइम में भी हो सकता है। सो सपोज माइनस वन से टू तक प्रेजेंट है, सो माइनस वन के राइट में एंड टू के लेफ्ट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स बोथ साइडेड। सो ये जो एच टी फंक्शन है ये बोथ साइडेड है, दैट मीन्स दिस सिस्टम इज नॉन कॉजल, कॉजल नहीं है बिकॉज कहाँ प्रेजेंट है, नेगेटिव में प्रेजेंट है। एंटी कॉजल नहीं है बिकॉज पॉजिटिव में भी प्रेजेंट है, इसलिए नॉन कॉजल है, ठीक है। सो सपोज एक रैंडम सिग्नल है एच टी इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, वो नॉन कॉजल है, ठीक है। तो जो उसका आर ओ सी होगा वो इस तरह से होगा, वन से टू है सपोज। सो क्योंकि नॉन कॉजल है इसलिए वन के राइट में एंड टू के लेफ्ट में, सो आर ओ सी, अगर ये जो एच टी है ये बोथ साइडेड है तो जो आर ओ सी होगा वो भी बोथ साइडेड होगा, ठीक है। नाउ अभी क्या है, ये जो आर ओ सी है दिस डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस, तो ये जो एच टी है ये बोथ साइडेड है एंड रिप्रेजेंट्स एन अनस्टेबल सिस्टम। नाउ अब एक पोल सपोज माइनस वन हो गया, दैट मीन्स अब आर ओ सी क्या होगा, ये टोटल, ठीक है। सो दिस टोटल इज नाउ आर ओ सी इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सेस। अब क्या हो जाएगा, ये जो सिस्टम है द आर ओ सी ऑफ दिस एच टी इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सेस, इसलिए अब ये जो है ये क्या होगा, स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड ये जो एच टी होगा अब क्या होगा, एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल होगा। जब ये अनस्टेबल है तो ये एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल नहीं होगा, जब ये स्टेबल है तो ये एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। नाउ अब एक लास्ट कंक्लूजन्स हैं, वो क्या है, मैंने आपको बताया था जहां आर ओ सी होगा वहां पोल नहीं होगा, ठीक है, आर ओ सी डज नॉट इंक्लूड एनी पोल। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर आर ओ सी, इफ आर ओ सी इंक्लूड्स जे ओमेगा एक्सेस देन दैट रिप्रेजेंट्स स्टेबल सिस्टम, ठीक है, स्टेबल सिस्टम। इफ आर ओ सी डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस दैट रिप्रेजेंट्स अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, ये एक इंडिविजुअल एक इक्वेशन है, एक स्टेटमेंट है, दिस इज इंडिविजुअली अ स्टेटमेंट, ये इंडिविजुअली एक स्टेटमेंट है। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा एंड इन दोनों को मिक्स करूँगा तो एक कंडीशन आएगी, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉजल एंटी कॉजल भी मिक्स करूँगा तो एक और कंडीशन आएगी, और वो कंक्लूजन क्या आएगा, बेसिकली कंक्लूजन्स इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या है, सपोज मैं कॉजल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो कॉजल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सो सपोज ये आपका सिग्मा है, ये सिग्मा इज इक्वल टू जीरो है। सपोज जो आपका राइट मोस्ट पोल है, आपका एक ट्रांसफर फंक्शन होगा सिस्टम का, इस ट्रांसफर फंक्शन का जो राइट मोस्ट पोल है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और ये कॉजल है इसलिए इसके राइट में आपका क्या होगा, आर ओ सी होगा। सो यहाँ आर ओ सी है तो इस साइड क्या होंगे, पोल्स होंगे आर ओ सी के उधर, ठीक है। नाउ आर ओ सी डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सेस, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों, बिकॉज एक पोल कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। नाउ सपोज द राइट मोस्ट पोल यहाँ पे होता, सो अब भी सेम कंडीशन होती, अब भी जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड नहीं है। सपोज जीरो पे राइट मोस्ट पोल होता तो अब भी जे ओमेगा एक्सेस इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, बट आर ओ सी जे ओमेगा एक्सेस पे लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। दैट मीन्स अब सिस्टम क्या होता, मार्जिनली स्टेबल होता, ठीक है।
नाउ अब क्या है, सारे के सारे पोल्स लेफ्ट साइड में है, ऑल द पोल्स आर इन द लेफ्ट, ठीक है। एंड इस लेफ्ट के राइट में क्या होगा, आपका आरओसी होगा, ठीक है। सो सपोज आपका जो राइट मोस्ट पोल है वो सिग्मा इज इक्वल टू -1 पे है, ठीक है। दैट मीन्स -1 के राइट में आपका क्या होगा, आरओसी होगा, क्यों, बिकॉज कॉजल है इसलिए राइट साइडेड होगा एंड इंक्लूड्स जी ओमेगा एक्सिस, ठीक है। सो ये क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। एंड आप क्या नोटिस कर रहे हो, दैट अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट में हैं, अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट में हैं तो जो आरओसी होगा दैट इज राइट टू द राइट मोस्ट पोल, ठीक है। अब इस तरह से देखो कि अगर सारे के सारे पोल्स लेफ्ट में हैं और ये राइट मोस्ट पोल है तो इसके राइट में आपका आरओसी होगा एंड डेफिनेटली इट इज गोना इंक्लूड जी ओमेगा एक्सिस, तो ये क्या होगा, स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज फॉर अ कॉजल सिस्टम द आरओसी इज राइट टू द राइट मोस्ट पोल एंड फॉर स्टेबिलिटी ऑल द पोल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में होंगे तब भी राइट साइडेड आरओसी जे ओमेगा को इंक्लूड करेगा एंड तभी वो सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। सो द कंक्लूजन इज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉजल सिस्टम, कॉजल है तभी तो राइट साइडेड आरओसी, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉजल सिस्टम पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट ओनली इन द LHS ऑफ एस प्लेन, ठीक है। और जो कि आप कहाँ पढ़ते हो, कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम में हमेशा ये चलता रहता है, पोल्स को लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में रखना है, क्यों, बिकॉज वहाँ कॉजल सिस्टम की बात होती है, ठीक है, वहाँ कॉजल सिस्टम की ही बात होती है, एंटी कॉजल वगैरह की बात वहाँ नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद अब बात करेंगे एंटी कॉजल में। सो मैंने क्या बताया, कॉजल सिस्टम में सारे के सारे पोल्स लेफ्ट में होने चाहिए तभी सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। एंटी कॉजल सिस्टम में क्या है, सपोज एंटी कॉजल मीन्स लेफ्ट साइडेड, इसलिए जो भी बात होगा वो लेफ्ट मोस्ट पोल के हिसाब से बात होगा। सो सपोज आपका लेफ्ट मोस्ट पोल कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो इसके लेफ्ट में आपका आरओसी होगा, इसके लेफ्ट में जे ओमेगा एक्सिस तो आरओसी के बाहर रह गया यानी कि अनस्टेबल है, ठीक है। फिर मैं पोल को यहाँ पे ले आया, लेफ्ट मोस्ट पोल यहाँ पे आ गया, अब भी जे ओमेगा एक्सिस बाहर है, अब लेफ्ट मोस्ट पोल यहाँ पे आ गया, सो जे ओमेगा एक्सिस अब क्या है, इंक्लूड है आरओसी में, अब लेफ्ट मोस्ट पोल यहाँ पे आ गया, सो जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूड है, सारे पोल्स कहाँ हैं, राइट ऑफ द एस प्लेन, ठीक है। सो अगर सारे के सारे पोल्स राइट साइड में हैं तभी एक लेफ्ट साइडेड आरओसी जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड करेगा एंड तभी वो स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। सो द कंक्लूजन इज फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एंटी कॉजल सिस्टम ऑल द पोल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द राइट हैंड साइड। एंटी कॉजल सिस्टम है, आरओसी लेफ्ट साइडेड होगा और अगर लेफ्ट साइडेड इस तरह से है, लेफ्ट साइडेड किस तरह से है कि वो जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, देन इट इज स्टेबल एंड उस सिस्टम के जो सारे पोल्स होंगे वो राइट साइड में होंगे, ऐसा आप देख भी सकते हैं, ठीक है। मैं सब चीज़ें नहीं बता सकता, ठीक है, कि मैं आपको ट्रांसफ़र फंक्शन से भी आपको ये चीज़ें ऑब्जर्व करवाऊँ इस तरह से, बट आपको कंक्लूजन से याद रखने होंगे, ठीक है। सो अगर कॉजल सिस्टम है जो हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं, वहाँ सारे पोल्स लेफ्ट में रखने होते हैं तभी सिस्टम स्टेबल होता है। एंटी कॉजल है तो सारे पोल्स राइट में होने चाहिए तभी सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। फॉर कॉजल सिस्टम आरओसी इज राइट साइडेड, फॉर एंटी कॉजल सिस्टम आरओसी इज लेफ्ट साइडेड एंड इफ आरओसी इंक्लूड जी ओमेगा एक्सिस देन सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। एंड इफ कॉजल सिस्टम इज स्टेबल दैट मीन्स ऑल द पोल्स आर इन द लेफ्ट हैंड साइड, इफ एंटी कॉजल सिस्टम इज स्टेबल दैट मीन्स ऑल द पोल्स आर इन द राइट हैंड साइड। जहाँ आरओसी होता है वहाँ पोल नहीं होता, ठीक है, सब कुछ मिक्स करके ये सब कंक्लूजन्स आए हैं, ठीक है। सो फिर से मैं बोल देता हूँ, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कॉजल सिस्टम पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट ओनली इन द LHS साइड ऑफ एस प्लेन,
फॉर एंटी कॉजल सिस्टम आर ओ सी विल बी लेफ्ट साइडेड टू द लेफ्ट मोस्ट पोल एंड ऑल द पोल्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द आर एच एस ऑफ एस प्लेन फॉर एंटी कॉजल सिस्टम टू बी स्टेबल।